नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ में नेहा। जमशेदपुर में एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार राज्य के कैबिनेट मंत्री से जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, जदयू युवा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर मंत्री अशोक चौधरी का जोरदार स्वागत किया। वक्ताओं ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि झारखंड राज्य में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत बनाने हेतु पार्टी के तमाम पदाधिकारी सभी जिलों में सम्मेलन कर रहे हैं। पार्टी में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसे लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। आगामी चुनावों में जनता दल यूनाइटेड पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, झारखंड प्रदेश के उत्थान में अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाएगी। संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, नए लोगों को कैसे इसमें जोड़ा जाए, जो पुराने लोग अलग अलग पड़े हुए हैं उनको कैसे साथ लिया जाए, बातचीत कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं, इस संगठन को आने वाले समय में कैसे और धारदार बनाए। देखिए, मेहनत कोई पार्टी तो एक दिन में खड़ी होती नहीं है। पार्टी के लिए तो लगातार सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तब पार्टी जाके खड़ी होगी। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग पहले से पार्टी से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े, उन सबको हम लोग एक साथ लाने का प्रयास करें और उनको जोड़ने का प्रयास करें और नई ताकत के साथ पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास करें। तो एक बड़ी चुनौती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बड़ी चुनौती है। झारखंड में पार्टी को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जब चुनौती बड़ी होती है तो मेहनत भी ज़्यादा होता है और वो चैलेंज होता है हर लोगों के लिए। और हम समझते हैं कि मेरे लिए नेता ने एक चैलेंज दिया है, हम प्रयासरत हैं, कितना सफल आप हो पाएंगे तो समय बताएगा, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि मैं पार्टी को खड़ा करने में सक्षम हूँ। 2024 में मीटिंग होने वाला पट्टा दिया गया है, चाहे वो स्टालिन हो, केजरीवाल जी हो, ममता बनर्जी जो हो, चाहे CPI CPM हो, हमारे GMM हो, कांग्रेस हो, सब समाजवादी है, RJD, सब लोगों को और हमको लगता है कि सब लोग शामिल हैं। 2024 का जो लोकसभा से खड़ा होती है, किस तरह से हमारे साथ प्रयास होते हैं और जब पक्षी एका बन जाएगी 12 तारीख को बैठक है, एक राउंड में तो बनेगी नहीं, 2-3 राउंड का डिस्कशन होगा। अगर विपक्षी एका बनेगा तो हम लोग विपक्षी एका के साथ खड़े रहेंगे और जब विपक्षी एका बनने में सफल नहीं हो पाएगा तो हम लोग अपने आपस में बैठ कर निर्णय करेंगे कैसे झारखंड में खड़ा होना चाहिए। तो उनका प्रयास एक सार्थक रूप ले रहा है और हमारे समझ से जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया है उसमें 90% लोग आ रहे हैं, इसलिए एक पहली मीटिंग है। और निश्चित रूप से कोई एक नई चीज़ की जब शुरुआत होती है उसमें हर्डल्स भी आते हैं, लेकिन ये एक पहला प्रयास है और हमको लगता है एक दो और बैठक होगी तो और क्लियरिटी। संगठन को विस्तार मजबूती देने के लिए लोकसभा विधानसभा चुनावों को देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी का झारखंड के प्रत्येक जिलों में संगठन के लिए दौरा हो रहा है, उसी क्रम में आज जमशेदपुर में है और शाम में डोभो में है। आप देख रहे होंगे कि युवाओं का जन सैलाब उमर पड़ा है, नीतीशमय हो गया है जमशेदपुर। क्या बोलना चाहते हैं, 2024 का तैयारी हो रहा है आप लोगों का? 2024 की लोकसभा और विधानसभा दोनों की तैयारी हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया। भाजपा के साथ मिलकर लड़िएगा कि सिंगल लड़िएगा? हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम माननीय नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।